हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आर एस एकेडमी में दोस्तों आर स्कूल व्याख्याता परीक्षा के लिए इतिहास का क्रेश कोर्स स्टार्ट किया गया था प्रथम पेपर के लिए जिसमें अपना तीसरा चैप्टर चल रहा था और दोस्तों वैसे क्लास अपनी आज आठवीं है तीसरा चैप्टर था सिलेबस के अकॉर्डिंग भक्ति आंदोलन ठीक है जो आज अपना इसमें समाप्त हो जाएगा आज आठवीं क्लास है दोस्तों पिछली अगर सात क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड इतिहास क्रेस कोर्स के नाम से वहाँ पे फोल्डर मिल जाएगा तो आप वहाँ जाके जो प्रथम पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ऐसी क्लास देखने के बाद में मेरे को नहीं लगता कि आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी ठीक है सिर्फ रिविज़न की आवश्यकता पड़ेगी तो आप रिविज़न कर लेना ठीक है तो दोस्तों रस आराध्याडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों अपने सात संत तो पढ़ लिए थे ठीक है आज अपना इसमें आठवें नंबर के जो संत हैं वो है मीराबाई जो भक्ति आंदोलन से संबंध रखती है दोस्तों मीराबाई का जो जन्म है वो चौदह ईस्वी में कुड़की ग्राम पाली में हुआ था ठीक है कुड़की ग्राम पाली में हुआ था चौदह ईस्वी में ठीक है इनके बचपन का नाम क्या था पेमल यानी कि मीराबाई के बचपन का नाम क्या था पेमल और दोस्तों इनका जो बचपन है वो अपने ननियाल मेड़ता ठीक है मेड़ता में बीता था इनका ननियाल ठीक है यानी कि मीराबाई का जो नानेरा था वो कहाँ था वो मेड़ता में ठीक है और मेड़ता में ही इनका थी? बचपन है वो बीता था मीराबाई के जो पारिवारिक गुरु हैं जैसे अपने घरों के अंदर जो पंडित जी होते थी? हैं जैसे हाँ ये अपने पारंपरिक पंडित जी हैं ठीक है ऐसे ही इनके पारिवारिक गुरु थे जिनका नाम था पंडित गजाधर ठीक है जिसने कृष्ण की मूर्ति दी थी किसको मीराबाई को ठीक है पंडित गजाधर ने और इनके जो देखो दो गुरु थे एक तो पारिवारिक और एक आध्यात्मिक गुरु आध्यात्मिक गुरु थे संत रहदास या रविदास ठीक है याद रखना संत रैदास भी आ सकता है और संत रविदास भी आ सकता है देखो यह मारवाड़ के रतन सिंह राठौड़ की पुत्री थी जिनका विवाह राणा सांगा के जो ज्येष्ठ पुत्र थे यानी कि सबसे बड़े पुत्र थे भोजराज ठीक है उनके साथ में हुआ था 1516 ईस्वी में ठीक है और दोस्तों आप सभी को पता है कि जो राणा सांगा हैं उन्होंने जो खानवा और बयाना के दो बड़े युद्ध लड़े थे ठीक है उन्हीं का पुत्र था दोस्तों ये भोजराज ठीक है आगे देखो देखो भोजराज की मृत्यु पंद्रह ठीक है तो काफी लोग बताते हैं पंद्रह ठीक है तो आपको याद रखना है कि भोजराज की मृत्यु पंद्रह ईस्वी में खानवा के युद्ध में हुई थी और खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों कब है? तो देखो 17 मार्च पंद्रह ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के मध्य यह युद्ध हुआ था और इस युद्ध में भोजराज की मृत्यु हो गई थी ठीक है तब मीराबाई है वो कृष्ण भक्ति में लग गई थी यानी कि उनकी मृत्यु के बाद में उनके साथ में सती नहीं हुई थी और कृष्ण भक्ति के साथ कृष्ण भक्ति में लग गई थी कौन मीराबाई और वह काशी मथुरा वृंदावन हरिद्वार आदि स्थानों पर दोस्तों उस मूर्ति को लेकर साथ में घूमती रही और अंत में गुजरात के डाकोर जी नामक स्थान पर रण छोड़ राय की कृष्ण मूर्ति में विलीन हो गई थी दोस्तों याद रखना है कि गुजरात के डाकोर जी नामक स्थान पर रण छोड़ राय जी की जो कृष्ण मूर्ति थी उन्हीं में विलीन हो गई थी कौन मीराबाई ठीक है याद रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गुजरात वाला गुजरात वाली जो लाइन है और दोस्तों इनकी जो आ, कुछ रचनाएं हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तो है ठीक है कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रुक्मणी मंगल किसकी रचना है या नरसी मेहतारी हुंडी किसकी रचना है पदावली किसकी रचना है यह प्रश्न पूछा गया था सत्य भामा जीरो रूष्णो सत्य जीरो रोशनो ये किसकी कृति थी ये कई बार परीक्षा में प्रश्न भी पूछा गया था अभी पीछे कोई परीक्षा हुई थी उसमें प्रश्न पूछा गया था ये ठीक है तो देखो याद रखना है आपको कि मीराबाई की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं एक तो है पदावली दूसरी है रुक्मणी मंगल तीसरी है सत्य जीरो रोशनो और चौथ चोत, चौथी है दोस्तों इसमें नरसी मेहतारी हुडी ठीक है या आपको याद रखना है दोस्तों राजस्थान सॉरी ये जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो ये पीडीएफ डी है ठीक है इसकी टोटल लगभग तीस से पैंतीस क्लास होंगी अगर आप इनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों इनकी प्राइस रहेगी एक सौ पचास और मोबाइल नंबर मैं आपको बता देता हूँ वहाँ पर पे करना है आपको तो नाइन फोर वन फोर ज़ीरो फोर फाइव एट ठीक है नाइन फोर सिक्स फोर वन फोर जीरो फोर फाइव एट ठीक है ये मोबाइल नंबर है इनके ऊपर आपको वन फिफ्टी पे करना पड़ेगा और उसके बाद में दोस्तों पे करने के बाद में पेटीएम या फोन पे आप कुछ भी कर सकते हैं और उसका जो स्क्रीन है वो दोस्तों इस वाट्सएप नंबर पे आपको भेजना है और उसी जिस नंबर से स्क्रीनशॉट भेजा जाएगा ठीक है उसी नंबर पे वो पीडीएफ फाइल है वो भेजी जाएगी ठीक है जिसमें दोस्तों सेलेबस के अकॉर्डिंग आप पिछली अगर डेमो लेना चाहते हैं तो आप जो पिछली सात क्लासें हुई हैं ठीक है आप उनको देख लेना सेम टू सेम वही है ठीक है तो इससे क्या है कि आपको रिविज़न करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी पहले आप सुनो जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना है ठीक है फिर उसके बाद में आपको रिवीजन करना है रिवीजन के लिए पीडीएफ फाइल की जरूरत है आपको 100 परसेंट पड़ेगी ठीक है क्योंकि दोस्तों जो ये चीज मैं पढ़ा रहा हूँ आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ जाती है जैसे सिलेबस के बाहर आ जाती है ठीक है इसमें दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट हर लाइन आप पढ़ के देख लेना पॉइंट टू पॉइंट है वो आपको हर लाइन के अंदर क्वेश्चन मिलेगा हर लाइन के अंदर क्वेश्चन मिलेगा और सेलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है और इसमें दोस्तों इतिहास के हैं जो आप तीस नंबर कवर करना चाहते हैं तो दोस्तों आप ये फाइल हैं ये ले सकते हैं अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप क्लास देख सकते हैं ठीक है तो ये जो तीस नंबर की जो अपने राजस्व सॉरी इतिहास है ठीक है ये पूरे के पूरे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं अगर डेमो की मैंने बात की थी तो आप जो पिछली सात क्लासें हुई हैं तो वो देख सकते हैं आप प्ले लिस्ट में जाइए वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड इतिहास क्रेस कोर्स के नाम से ठीक है तो आप वहाँ जाके डेमो भी देख सकते हैं कि कैसे नोट्स हैं क्या क्या, -क्या मैटर है इसमें ठीक है ऐसे जल्दबाजी मत करना आराम से देखना उसके बाद में ख़रीदनी है आपको ठीक है वन फिफ्टी इसकी प्राइस रहेगी मोबाइल नंबर मैं आपको एक बार बता देता हूँ वापस नाइन फोर सॉरी नाइन फोर सिक्स फोर वन फोर जीरो फोर फाइव एट ठीक है चौरानवे चौंसठ एक सौ चालीस चार सौ अट्ठावन ठीक है और इस पे आप फोन पे भी कर सकते हैं और पेटीएम भी कर सकते हैं देखो यह है भक्ति आंदोलन की पहली महिला संत थी जिसको भक्ति आंदोलन की राबिया भी कहा जाता है यानी कि भक्ति आंदोलन आ, कि राबिया है वो किसे कहा जाता है तो मीराबाई को कहा जाता है ठीक है देखो अब आता है नोवा नंबर का इसमें अपना कबीरदास देखो कबीर दास यह भक्ति आंदोलन में निर्गुण शाखा के सबसे बड़े संत माने जाते हैं कौन कबीरदास इनका जो जन्म है वो 1440 सो ईस्वी में कबीर दास का लालन पोषण नीरू जुलाहा के द्वारा किया गया था यानी कि इनका जो जन्म है वो 1440 सौ ईस्वी में हुआ था और कबीरदास जी का जो लालन पोषण है वो नीरू जुलाहा द्वारा किया गया था ठीक है याद रखना है आपको आगे देखो इसलिए कबीर दास जी जाति से जुलाहा माने जाता है इन्होंने समाज में फैल रहे आडम्बरों छुआछूत और जातिवाद का विरोध किया था किसने तो कबीर दास जी ने इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और बताया कि ईश्वर को किसी एक निश्चित नाम से पुकारा नहीं जा सकता है ठीक है तो इन्होंने क्या किया था कि मूर्ति पूजा का तो विरोध किया था और ये बताया था कि ईश्वर को किसी एक निश्चित यानी कि एक नाम से नहीं पुकारा जा सकता और यदि कोई ईश्वर को नाम देना चाहता है तो वो उसे राम पुकार सकता है ठीक है लेकिन इनका नाम दशरथ पुत्र राम नहीं है ठीक है आप राम पुकार सकते हो लेकिन इनके इनको आप दशरथ पुत्र राम नहीं कह सकते ठीक है यह आपको इसमें याद रखना है इसने यानी कि इन्होंने कब किसने कबीर दास जी सभी जातियों के लोगों के साथ मिलकर कबीर पंथ की स्थापना की थी यानि कि कबीर पंथ की जो स्थापना है वो किसने की थी दास जी ने आगे देखो देखो कबीर दास जी के तीन प्रमुख शिष्य थे कौन कौन से गोपाल दास ठीक है और एक है भागोदास और दूसरा है धर्मदास ठीक है धर्मदास तो ये कबीर दास जी के तीन शिष्य थे गोपाल दास भागोदास और धर्मदास देखो गोपाल दास के द्वारा सुख निधान नामक ग्रंथ लिखा गया था ठीक है और कबीरदास जी के निर्देशन में भागोदास ने बीजक ग्रंथ की रचना की थी ठीक है भागोदास ने बीजक ग्रंथ की रचना की थी और जिसमें कबीरदास की शिक्षाओं व सिद्धांतों का वर्णन मिलता है दसवां नंबर का अपना इसमें संत आता है गुरु नानक गुरु नानक हैं यह है निर्गुण भक्ति के एक दूसरे बड़े संत माने जाते हैं ठीक है इनका जो जन्म है वो चौदह ईस्वी में तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था और वर्तमान में तलवंडी को ननकाना साहब कहते हैं ठीक है वर्तमान में तलवंडी को ननकाना साहब कहते हैं इसमें भी कबीर दास जी की भांति मूर्ति पूजा छुआछूत जातिवाद का विरोध किया था इन्होंने कबीर दास जी की भाती यानी कि दास जी की तरह ही मूर्ति पूजा जातिवाद का विरोध किया था यह पहले संत थे जिन्होंने नारी उत्थान के लिए लोगों को जागरूक किया था ठीक है यह पहले संत ऐसे थे जिन्होंने नारी उत्थान के लिए लोगों को जागरूक किया था इनके द्वारा सिख संप्रदाय की स्थापना की गई थी यानी कि सिख संप्रदाय की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी तो वो गुरु नानक के द्वारा की गई थी देखो हर लाइन के अंदर प्रश्न है तथा उन्होंने भेदभाव को समाप्त करने के लिए संगत व पंगत की परंपरा लागू की थी अब देखो संगत क्या होता है संगत होता है निशुल्क निवास स्थान यानी कि धर्मशाला और पंगत का मतलब होता है निशुल्क भोजन यानि कि लंगर ठीक है ये जो परंपरा लागू की थी किसने गुरु नानक ने देखो सिखों के पाँचवें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि गुरु ग्रंथ साहिब की रचना है वो किसने की थी तो गुरु अर्जुन देव ने ठीक है जो सिखों के पांचवें गुरु थे जिसमें गुरु नानक की शिक्षाओं का वर्णन भी मिलता है देखो सिख धर्म में पांच प्रकार की परंपरा लागू है जो इस प्रकार है कौन कौन सी है वो पाँच प्रकार की परंपरा केस कंगा कृपाण कड़ा और कच्छा ठीक है तो ये पांच चीजें हैं वो सिख के पास होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये वो उनकी परंपरा है देखो ग्यारहवा नंबर का अपना इसमें संत आता है वो है संत पीपा संत पीपा यह राजस्थान में भक्ति आंदोलन के पहले संत माने जाते हैं भक्ति आंदोलन के राजस्थान में पहले संत हैं वो संत पीपा माने जाते हैं इनका जो जन्म है वो 1425 सौ ईस्वी में गागरोन झालावाड़ में हुआ था कहाँ पर हुआ था गागरौन झालावाड़ में हुआ था यह गागरोन के खींची चौहान वंश के राजकुमार थे यानी कि खींची वंश के राजकुमार थे खींची है वो चौहान होते थे और इनका दोस्तों आ, मूल नाम था प्रताप सिंह यानी कि संत पीपा का जो मूल नाम था वो क्या था तो प्रताप सिंह ठीक है इनका दोस्तों गुरु है इनका गुरु है वो रामानंद थे इनके गुरु कौन थे रामानंद जिसने इनका नाम बदल कर संत पीपा रखा था यानी कि दोस्तों संत पीपा का नाम है वो किसने रखा था तो रामानंद ने रखा था जो इनके गुरु थे देखो प्रताप सिंह ने दिल्ली सल्तनत के शासक फिरोज तुगलक को भी पराजित किया था प्रताप सिंह कौन है तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि संत पीपा संत पीपा ने फिरोज साह तुगलक को भी पराजित किया था देखो संत पीपा ने अपनी आजीविका चलाने के लिए दर्जी का भी कार्य किया था तो परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि ऐसे कौन से संत थे जिन्होंने अपनी आजीविका चलाने के लिए दर्जी का भी कार्य किया था तो संत पीपा थे और संत पीपा का मूल नाम क्या था प्रताप सिंह ठीक है देखो इसी कारण दर्जी समुदाय के लोग भी इसे अपना आराध्य देव मानते हैं किसे संत पीपा को देखो संत पीपा की जो छतरी है वो कहाँ पर है तो वो गागरों झालावाड़ में है संत पीपा की छतरी और संत पीपा का जो मंदिर है वो है दोस्तों समदड़ी बाड़मेर में और संत पीपा की गुफा है वो है टोडा राय सिंह टोंक में ये तीनों चीज है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपको इसमें याद रखनी है बारवा नंबर का आता है अपना इसमें संत दन्ना जाट ठीक है दन्ना जाट का जो जन्म है वो 1415 सौ ईस्वी में दुवन गांव टोंक में हुआ था कहाँ हुआ था दुवन गांव टोंक में हुआ था इनके गुरु का नाम क्या था रामानंद क्या नाम था गुरु का नाम तो रामानंद यह श्री कृष्ण की भक्ति करते थे और उनको हट पूर्वक भोजन कराया करवाया था यानी कि श्री कृष्ण की भक्ति करते थे और उनको हट पूर्वक यानी कि जबरदस्ती जिद कर ली थी और भोजन करवाया था भगवान इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर इनके घर रहे और इनकी गाय गाय चराई थी ठीक है ये थे जाट ठीक है दोस्तों एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ मोबाइल नंबर है नाइन फोर सिक्स फोर वन फोर जीरो फोर फाइव एट कॉल कोई नहीं करेगा फालतू के मैसेज कोई नहीं करेगा सिर्फ पे और फ़ोनपे आपको स्क्रीन भेजना वन फिफ्टी रुपये का जो स्क्रीन शॉट है वो भेजना है या तो आप फोन पे कर सकते हैं या पे कर सकते हैं उसका जो स्क्रीन शॉट पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए उसका जो स्क्रीन शॉट है वो आपको व्हाट्सअप पे इस नंबर पे भेजना है और इसी नंबर पे आपको फाइल दी जाएंगी और चार अंकों के पासवर्ड दिए जाएंगे आपको ठीक है आप वो पासवर्ड लगा के आप उसको खोल सकते हैं उस फाइल को ठीक है तो दोस्तों एक बार फिर नाइन फोर सिक्स जीरो वन फोर जीरो फोर फाइव एट डेमो के लिए मैंने आपको पिछली जो अपनी आज आठवीं क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है ठीक है आप ये जो शुरू से लेके आठ तक क्लासे देख सकते हैं अगर आप पीडीएफ नहीं खरीदना चाहते तो आप शुरू से लेके और एंड तक जो क्लासें हैं वो देख सकते हैं लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज आपकी बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगी अगर आप पी ले लेंगे तो उसमें दोस्तों ये रहेगा कि जैसे आप अगर साथ में आप क्लास देख रहे हैं और साथ में लिखते भी जा रहे हैं तो दोस्तों आपकी जो एक क्लास जैसे मेरी 20 से 25 मिनट के आसपास एक क्लास होती है उस क्लास में दोस्तों अगर आप लिख के साथ में लिखने बैठेंगे तो आपकी वही 20 से 25 मिनट की क्लास है वो आपकी करीबन दो से ढाई या तीन घंटे के आसपास हो जाएगी अगर आप लिखने बैठोगे तो मैं दोस्तों आपको लिखा लिखाया दे रहा हूँ आपको सिर्फ यहाँ पे ओनली फॉर सुनना है क्योंकि सुनने से ज़्यादा याद होता है मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ वो आपको यहाँ पे सुनना है ठीक है और जैसे ही क्लास अपनी कंप्लीट हो जाती है आप अपना चैप्टर निकालिए पीडीएफ से और चैप्टर निकाल के उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए ठीक है कि मैंने क्या क्या पढ़ा था इसमें और जैसे मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूं तो वो आप जैसे ही लाइन पढ़ोगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगी कि हाँ मैंने इस लाइन में क्लास में ये पढ़ा था ठीक है तो पी फाइल है वो आपका समय बचाएगी और रिविज़न करने में भी, भी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी ठीक है ये अपना आज तीसरा नंबर का चैप्टर था चल रहा था भक्ति आंदोलन ये अपना समाप्त हो चुका है कल अपना सेलेबस के अकॉर्डिंग चौथा नंबर का चैप्टर आएगा आप सिलेबस उठा के देख लेना चौथा नंबर का चैप्टर आपको मिलेगा राजपूत काल सात से बारहवीं शताब्दी ठीक है कल से अपन वो पढ़ेंगे दोस्तों अगर आपने अभी तक आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में शेयर ज़रूर करें ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत